जीवन है उसका अधिकार, शिक्षा है उसका हथियार, बढ़ाओ कदम, करो स्वीकार, करो स्वीकार। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि और सभी श्रोतागण, आज हम आपके सामने एक लघु नाटक पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्नी को ही देखा है क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया है, दूध भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं है, उसे स्कूल जाने की तैयारी भी करानी थी। नहीं माँ, मैंने तो मुन्नी को नहीं देखा, मैं तो सुबह से बर्तन धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी दाखिला करा दो ना माँ। पीछे बहुत कुछ मांगते हैं तो मैं ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के कामकाज अच्छे से सीख, आगे जाकर के मैं भी तेरे काम आने वाला है, और कौन सा फट लिख करके कलेक्टर भी बन जाएगी। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। अरे भाग्यवान, ये देखो अखबार में प्यारी बेटी के ऊपर कितनी सुंदर कविता छपी है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। आपका पर्सनल खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाग्यवान, कैसी लगी कविता? काहे की मजेदार कविता, मुझे नहीं लगी अच्छी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते बहन जी, हम बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल से आए हैं, तो क्या मेरे सिर पर बैठोगी? नहीं नहीं, हमें पता लगा है कि आपकी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाती है, इसलिए हम उसकी दाखिले की बात करने के लिए आए हैं। पढ़ लिख कर घर में रहेगी तो घर के कामकाज अच्छे से सीखेगी।
तब मेरी जेठानी मास्टर जी जब घर के सारे लोग मुझे अंगूठा टेक कहते हैं